कोविड-19 के दौरान SBI ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर से ही अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो KYC कैसे आपको कंप्लीट करना है, जो नया अपडेट आया है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, तभी आप क्लियर रूप से समझ पाएंगे। आप KYC जो है दो तरीके से कर सकते हैं, एक ईमेल के द्वारा, एक बाय पोस्ट के द्वारा। तो मैं इस वीडियो में दोनों ही कवर करने वाला हूं, तो दोनों में तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट मैं ईमेल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको ईमेल में जो है क्या सब डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ईमेल आईडी भी मैं आपको बताऊंगा क्या उसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, ये आपको शेयर करना है। एक बिजली बिल का एड्रेस प्रूफ, ये आपको सेंड करना है। उसके बाद पासवर्ड साइज फ़ोटो आपको, या आप खुद अपने से ही बना सकते हैं पासवर्ड साइज फ़ोटो, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, 5-6 ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपको जो है ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आपको छोटा सा एक वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या है, आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाएंगे, यानी कि SBI कस्टमर केयर को, जैसा कि आप स्क्रीन में नंबर देख रहे हैं। कॉल लगाने के बाद आप पूछेंगे, सर हमको KYC कराना है, तो वो पूछेंगे आपका ब्रांच कहाँ है, तो ब्रांच का नाम बताएंगे, फिर आपको बताना होगा कि आपका ब्रांच का कोड क्या है। तो यहाँ पे घबराइए मत, क्या कोड होता है ब्रांच का वो मैं आपको यहीं से जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों जानकारी यहाँ पे जैसे कि आपके पासबुक में ही लिखा रहता है ब्रांच कोड, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पासबुक में ब्रांच कोड नहीं लिखा हुआ है तो आपके पासबुक में IFSC कोड तो ज़रूर लिखे होंगे, जैसे कि SBI का जो IFSC कोड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ SBI का जो IFSC कोड होता है, तो यहाँ पे देखिए SBIN 007134, ये अंक बदलता रहता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट का छः अंक ही आपका ब्रांच कोड होता है, जैसे कि 017134, ये आपका ब्रांच का कोड हो गया, ये ही आप दे सकते हैं, ठीक है, ये ब्रांच का कोड ही है। तो अगर पासबुक में लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे लास्ट का 6 अंक बता सकते हैं, आपका ब्रांच कोड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको वहां से ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आप यहां पे जो सब डॉक्यूमेंट बताया गया वो सब डॉक्यूमेंट आप यहां पे सेंड कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके खाते में ईमेल आईडी रजिस्टर है तो उसी ईमेल आईडी से आपको ये सब प्रक्रिया करना है, यानी कि उसी ईमेल आईडी से आपको ये ईमेल पर जो है सेंड करना है फ़ोटो, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड। जी हाँ, अगर आपका रजिस्टर है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठे जो है कर सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप जो है बाय पोस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो इस प्रक्रिया को आप फॉलो ना करें, जिसका रजिस्टर है ईमेल आईडी बैंक में वही इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका रजिस्टर नहीं है ईमेल आईडी, तो आप क्या करेंगे, आप पोस्ट जाएंगे। पोस्ट जाने के बाद आपको जिसको बोलते हैं डाकघर, वहाँ जाने के बाद आपको बोलना है हमको SBI में KYC करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोले हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको बिजली बिल का ले लेना है आपको लेना है। उसके बाद 5-6 फ़ोटो पासवर्ड साइज के, ये आपको ले लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है पोस्ट ऑफिस में। तो ये सबमिट करने के बाद आपका जो है KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस है अभी कोविड-19 के दौर पे KYC कंप्लीट करने के लिए, यही प्रोसेस अपडेट जारी किया है। अगर सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है सही सटीक जानकारी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भी इस कोविड-19 के दौर पे भला हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।